नमस्कार, आप देख रहे हैं केके टू टाइम्स। मैं हूं श्रीनिधि। नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रतिभटन। बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के प्रोफेट मोहम्मद पर बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश जताया जा रहा है। बीजापुर में भी इस भाषण का आग अब फैल चुका है। बीजापुर शहर के अंबेडकर सर्कल में एसडीपीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा मोर्चा रैली किया गया है। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल पर उचित कार्रवाई होने की मांग करते हुए एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नूपुर शर्मा के बयान माफी के लायक नहीं है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी के धार्मिक पालनों को ठेस पहुंचाना अपराध है। आज शहर बीजापुर में जो है एसडीपीआई की जानिब से एक प्रोटेस्ट बुलाया गया था। प्रोटेस्ट बुलाने का मकसद यह था कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बीजेपी हुकूमत के एक जो स्पोक पर्सन है नूपुर शर्मा, और साथ ही साथ इनके जो है नवीन जिंदाल बोल के जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखी किए हुए हैं, इन गुस्ताखी के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए था हुकूमत को, वो अब तक नहीं लेके है। ये हमारी एसडीपीआई की जानिब से ये डिमांड है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, इन्हें जो है सलाखों के पीछे करें। हमारी डिमांड है इन्हें गिरफ्तार करें, ना कि इन्हें सस्पेंड करें। हुकूमत ने इन्हें सस्पेंड कर रखा हुआ है, जो कि एक बहुत ही एक पचकाना या फिर अवाम मुल्क की अवाम के साथ एक भद्दा मजाक है। हमें इन्हें सस्पेंड कराना या फिर इन्हें आप पार्टी से बेदखल करना हमारा मकसद नहीं है। इनके गुनाहों की इन्हें सज़ा दिलाना हमारा मकसद है, और हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करेंगे कि ये इन्हें सलाखों के पीछे करें, इन्हें अरेस्ट करें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मेरा नाम अताउल्ला दराक्ष, एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आज जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है एक प्रोटेस्ट कॉल किया था आज, जिसके अंदर जो है बीजापुर के अलग अलग जो है एनजीओस और तंजीमों ने और मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे अलग अलग जो है रिलीजियस लीडर्स जो है हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अवाम ने जो है शिरकत कर जो है अपने गुस्से का जो है इजहार प्रोटेस्ट के ज़रिए किया है। हम लोग देख सकते हैं एक 5-6 दिन से जो है ये नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल जो है ये बीजेपी के स्पोक पर्सन जो है इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है गुस्ताखी की है, नाज़ेबा अल्फाज को इस्तेमाल किया है, जिसे कतई भी जो है ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी इसे बर्दाश्त नहीं करती। तो इसी के रिलेटेड जो है आज हम लोग बीजापुर में इस प्रोटेस्ट में जो है हिस्सा लिए थे, हज़ारों की तादाद में है, अवाम ने जो है इसके अंदर अपने गुस्से का इजहार किया है। और ये प्रोटेस्ट के ज़रिए एक डिमांड की गई है हुकूमत से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि दूसरे छोटे छोटे इशू को लेकर दूसरे कम्युनिटी को और दूसरे दूसरे लीडर्स को, पॉलिटिकल जो बीजेपी से दूर रहते हैं ऐसे लोगों को, जिस तरह आप लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं छोटे छोटे इशू में, इतना बड़ा जो है एक गलत अल्फाज जो इस कायनात के रहमतुल्लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया मानती है, तो इनके ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज यूज़ करने वालों की आज तक जो है कई सारे FIR जो है इंडिया के अंदर अलग अलग जगह होकर है, लेकिन इसके ऊपर बीजेपी और पुलिस डिपार्टमेंट जो है खामोश है। बीजेपी जो है हम लोग इनको पार्टी से बर्खास्त किए, सस्पेंड किए, बोलकर जो है अपना पलड़ा झाड़ लेकर है। तो ये देश की अवाम इसे बर्दाश्त नहीं करती कि हम लोग जो है सस्पेंड से जो है खुश हो जाएंगे। हमारा मुतालबा यह है ये देश की हुकूमत से और ये देश के पुलिस डिपार्टमेंट से, जहाँ कहीं भी जिस तरह दूसरे लोगों के साथ आप लोग जो है कानूनी कार्रवाई करते हैं, FIR के बाद जो है आप लोग जेल में डालते हैं और सेडिशन केस लगाते हैं कि दूसरे कम्युनिटी वालों को हट होने की वजह से हम लोग मुकदमा दर्ज किए बोलकर पुलिस वाले भी जो है बोलते हैं। हम लोग देख सकते हैं कई सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के MLA MPs को भी जो है अरेस्ट किया जाता सिवाय बीजेपी के। तो हम लोग ये देश के अंदर बीजेपी 2014 के बाद आने के बाद से लेकर आज तक ये देश के अंदर माहौल ख़राब करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। ये देश के अंदर डेवलपमेंट नहीं, रोज़गार नहीं, यहाँ पर जो है बाहर कंट्रीज से जो बिजनेस के लिए लोग आते थे वो भी आना जो है बंद किए हैं, और ये बीजेपी हुकूमत की वजह से और इनके स्पोक पर्सन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का जो है सर शर्म के जरिए झुका हुआ है। क्यों बोले तो इंडिया के हुकूमत को माफ़ी मांगने के लिए डिमांड कर रहे हैं दूसरे कंट्री वाले, उनका हक है। क्यों बोले तो एक मजहबी लीडर्स को जो है हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी अपने जान माल से ज़्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनके खिलाफ जो अल्फाज किए गए उसके खिलाफ कार्रवाई करके जो है हम लोग जेल में डालना मुतालबा करते हैं, और इनके ऊपर सज़ा जो है तय की जाए। जिस तरह दूसरों को जो है पार्लियामेंट के ज़रिए सज़ा तय की जाती है, इसी तरह ये दोनों के ऊपर भी सज़ा तय की जाए। और अपना बचाव करने के लिए बीजेपी बोल रही है कि आज के बाद बीजेपी के स्पोक पर्सन आप लोग जो है हुकूमत जो बोलेगी वही बोलेंगे बोलकर, आज तक ये देश के साथ खिलवाड़ किया है बीजेपी वालों ने।
हम लोग जो है ये बीजेपी को भी इसकी जिम्मेदार पूरे दुनिया के अंदर जलील करने में इंडिया को जो है बीजेपी का पूरा रूल है इसके अंदर। हम लोग जो है आज के बाद ऐसे कोई भी अगर अवाम करेंगी तो हम जो है इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किए हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर जो है कानून बनना चाहिए जिस तरह दूसरों के ऊपर कानून बनाते हैं, जो गैर ज़रूरी कानून बनाते हैं हमारे देश के अंदर, हिजाब का, अजान का, क्या खाना क्या पीना, सिविल कोड के बारे में अलग अलग डिस्कशन करते हैं, वो ज़रूरत नहीं है देश को हमारे। ये देश के अंदर भाईचारा और रोज़गार, एक दूसरे में मोहब्बत और देश का डेवलपमेंट रहा तो ये देश की आवाम खुश रहेगी, यही हमारा मुतालबा था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए केके टू टाइम्स।